भाई साहब गंदा सीन हो गया है, दो भाई अपने कार से टकरा गए। देखिए तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अब निकलते हैं, नेहा को ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं। और इसे बहुत ही गंदा हो रहा है, इसे भी साफ़ करता हूँ, बस यही बचा है, बाकी काम तो सारे हो गए हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी, ये देखो मेरा टीका भी, पूरा टीका भी ख़राब हो गया, मेरी दादी ने लगाया था। तो अपन नहा धो के रेडी हो चुके हैं, टीका वीका कर लिया है, तो हम निकलते हैं अब यहाँ से। दादी ने मंगाई ये मिठाइयाँ, तो हम कुछ मिठाइयाँ लेके आते हैं और बाकी तैयारी करते हैं। और आज का दिन पूरा मैं सोच रहा हूँ, आज पूरा दिन का मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें करी, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी कोशिश रहेगी कि सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू डेली ब्लॉग्स कर लूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा डेली ब्लॉग्स करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रैवल कर पा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। तो आज हमें है दिवाली और मॉर्निंग में हो गया हूँ, उठा हूँ लेट, क्योंकि कल हम लोग घूमने गए थे रात को, तो लेट आया और लेट ही अपना उठा हूँ और नहा धो के रेडी होके, आँखों में मेरी अभी भी नींद है, और नहा के मेरी दादी ने टीका लगा दिया है, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, पूरी बनी थी आज, पूरी छोले दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को। तो बस मैं अब मिठाई लेने के लिए निकल रहा हूँ आनंद स्वीट, हम मिठाई लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज की पूरी दिनचर्या दिन की, कि क्या करते हैं हम, क्या क्या करते हैं। और कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं मेरे शाम को, और शाम को आज बहुत बवाल होने वाला है। हम हल्द्वानी से, हल्द्वानी के सारे नज़ारे दिखाऊंगा मैं आपको, रात वाले हेड़ा खान से जो दिखते हैं, और दिवाली का दिन है तो वहाँ से बहुत सुंदर लगता है, तो बने रहिए। पहले चलते हैं मिठाई लेके आते हैं, फिर देखते हैं प्लान कि आगे क्या क्या चीज़ें करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मिठाई ले ली हमने, अपना निकलते हैं हम यहाँ से फटाफट, बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यार लेट हो गई है, मुझे घर भी जाना है उधर, अरे दादी को मिठाई देते हैं और सीधे निकल जाते हैं। तुम्हारे भाई ने गेटअप चेंज कर लिया है, रेड जैकेट, ब्लैक टी शर्ट और जीन्स, बस निकल रहा हूँ अब। ज़रा गाड़ी का थोड़ा काम कराते हैं, मिठाई लाके मैंने जैसे कि दे दी, मिठाई उठाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब मैंने थोड़ा जैकेट डाली क्योंकि ज़्यादा गर्म हो रहा, हुडी ज़्यादा कर दी, ये हाफ जैकेट है तो टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो और अब मैं निकल रहा हूँ, कार का थोड़ा सा काम था, तो कार का थोड़ा सा काम है, मेरी बैकलाइट नहीं जल रही और रात को घूमना है। बैकलाइट का बल्ब फूक चुका है, उसको भी ठीक करवाता हूँ, लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर का भी बल्ब खराब हो रखा है, वो भी डलवाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या क्या करता हूँ। प्लान तो फिलहाल अभी गडकरिया फैमिली के पास जाने का था तो वो कैंसिल हो गया है, नेहा जा रही है मार्केट, फिर इसके बाद नेहा से ही मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या सीन बनता है, बाकी जो जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो भैया देखो बैकलाइट, हम गोल्डी भाई के आ गए और ये बैकलाइट की हालत हो रखी है यार, और सोल्डी भाई बैठे हुए अपने, देखा वो वाला पड़ा था ना उधार, एक जादू है हम देंगे और आप गायब हो जाओगे। तो भाई ये बल्ब फूट गया है, ये करवाते हैं, बाकी कुछ दोस्त आने वाले शाम को पहुंच जाएंगे, फिर हम लोगों का प्लान जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो गोल्डी भाई के वहाँ, सोल्डी भाई के वहाँ आया वो गाड़ी हो रही। अरे भाई देखो अपना शूटर बल्ब निकाल रहा है बिल्कुल बढ़िया करके, स्मार्ट ही देख रहा है बिल्कुल, आज तो शर्ट वर्ट पहन के दिवाली में बिल्कुल मस्त। तो भाई पड़े उठाते हैं, और ये देखो शाम कितनी सुंदर लग रही है, घर कितने प्यारे डेकोरेट हो रखे, अपनी गाड़ी उठाते हैं फिर यहाँ से निकल। तो अब लोग अब यहाँ से निकलेंगे, पहले जा रहा हूँ मोहित को लेने, मोहित को लेता हूँ पहले, नेहा को लेता हूँ फिर मोहित को लेता हूँ, मोहित के घर पे दिवाली विश करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे मेरे घर पे, फिर पेरेंट्स से मिलके, फिर देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन में जाके बैठेंगे जहाँ से पूरा हल्द्वानी का नज़ारा दिखता है ना। गाड़ी की मैंने बैकलाइट भी ठीक करा दी थी, जिस किसी को नहीं पता है मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, तो दो साल से बंद है, जिस किसी को पता है, जिसे पता है। तो भाई आज है लक्ष्मी पूजा, तो लक्ष्मी पूजा के दिन मैंने पूछा, और घर जाती पापा यही पूछने की दुकान में तूने जलाया है नहीं जलाया, तो मैं जला रखा है, जला के जा रहा हूँ, उस साइड भी जला दिए मैंने और इस साइड भी जलाए हुए, उस साइड भी जला, तो भाई मैंने उस साइड भी जलाया और इस साइड भी जलाया, दोनों साइड पे मैंने मोमबत्तियाँ रख दी हैं, कैंडल रख दी हैं, और ये मेरी दुकान है, और ये देख लो कॉलेज वालों ने क्या हाल कर रखा है। चलो कोई नहीं, सौरभ भाई अपने छोटा भाई है, बाकी मैं निकलता हूँ, नेहा को पिक करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपना घर मोहिता के, और मोहिता के घर जाने के बाद वहाँ से हम लोगों का प्लान ये है कि घर जाएंगे पहले, मम्मी पापा से मिलेंगे, फिर वहाँ पर पूजा में थोड़ी देर शामिल होऊंगा,
फिर पूजा में शामिल होने के बाद फिर हम निकल जाएंगे। अरे अंकल का तो लेटर रह गया, तो अंकल को भी लेटर देता हूँ। तो अंकल का लेटर देता हूँ, बैठो। तो अंकल का लेटर दे देता हूँ, अंकल का लेटर मेरे पास ही रह जाता वरना। ये लाइटर अंकल का, चल ठीक है। तो मिलते हैं आप सीधे आपको नेहा को पिक करके। तो भैया नेहा भी आ गई बंडन के, है फीका सूट, फीका सूट। भाई गाइस बताना ये सूट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। फीका सूट, फीका सूट है, फीका सूट। तुम्हारा भाई तो स्मार्ट ही लगता है, कहने की बात नहीं है। ठीक है अपने मुँह से कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट तो कर नहीं रहे हो यार, तो मैं खुद ही तारीफ कर लेता हूँ अपनी। और ये तो फिर क्या ही बोले इसका। भाई निकलते हैं अब लोग, हम लोग अपना नया फोन पकड़ना। ऑफ कैमरा तुमने कर दी तारीफ मेरी। तो हम लोग निकल रहे हैं हम यहाँ से सीधे अपना मोहिता के घर। मोहिता से, मोहिता की फैमिली से मिलते हैं और शोना से मिलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीधे मोहिता को लेके निकल जाएंगे अपना मेरे घर। फिर मेरे घर में मिलेंगे। ये सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है कि हम इसी तरीके से मिलते हैं सब लोग। पहले एक के घर से उठाते उठाते सबके घर में होते हुए, फिर देखो हरदा के यहाँ भी जाते ही नहीं जाते, क्योंकि हरदा कई बार क्या होता है, हरदा के हम जाते हैं हरदा होते ही नहीं है। बाकी तो भैया चमका पड़ा है पूरा शहर, दिवाली का दिन है तो भाई चमकना ही है। फिर मोहिता के वहाँ चलते हैं सीधे, आप लोग वहीं मिलते हैं मोहिता के घर पे। तो मोहिता के यहाँ देखो, या तो ये मोहिता ने बनाई है या ये सोना ने बनाई है। मोहिता ने कितना प्यारा बना रखा है घर का डेकोरेशन, देखो मोहिता ने कितना बढ़िया कर रखा। उसते के साथ ही मोजो ने हमारा स्वागत कर लिया है। ये लड़ता भी नहीं है यार, है बहुत बुढ़ा हो गया यार। कितने साल का हो गया मोजो तू, कितने साल का हो गया? ये देखो आंटी जी हमारी बढ़िया दिए ले गए, अभी चल ही रही है पूजा। हम ब्लॉग बना रहे हैं आज आंटी के साथ पहली बार, फैमिली ब्लॉग। ये देखो मोजो, भैया कैसे हो आप आंटी? बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया। आंटी ने कितना प्यारा सजाया बाहर, किसने बनाया वो आंटी? आपने बनाया, बड़ा प्यारा लग रहा है। कहाँ है हमारी सोना, कहाँ गया मोजो? पहाड़ गई। अरे मोहिता दरवाजा खोलो, अरे मोहिता हम आज तुम्हारा छापा पड़ गया दरवाजे में। मोहिता, मोहिता क्या छापा पड़ते हुए, मोहिता क्या छापा पड़ते हुए। ये मोहिता हैप्पी दिवाली मोहिता, मेरे भाई की दिवाली की बधाई बहुत बहुत। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। मैं अभी तक किसी को विश नहीं किया, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मोहिता हमारे यार, मोहिता बड़े लंबे लग रहे हो यार आज, मोहिता बड़े लंबे लग रहे हैं। उससे मोजो शांत बैठा हुआ है, क्योंकि मोजो की हवा निकल जाती है बम देखते, इसलिए शांत है। इसलिए शांत है मोजो। क्यों देखो क्या बात है, बड़े शांत बैठे हो, क्या बात। तुम्हारी मैचिंग मैचिंग हो गई, चादर सूट सब मैचिंग मैचिंग हो गया तुम्हारा तो, गजब है मोजो। मैचिंग मैचिंग हो गया, नहीं हो गया? क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो है मोजो? मोजो इतना शांत क्यों हो रहा है आज? पटाखे देख, मुझे लग रहा है मोजो ने ज़्यादा बम पटाखे देख लिया है मोजो, है मोजो। ये बड़ा सा, बाकी सुबह में मेरे साथ जा रहा है अपनी गड्डी, बहुत बढ़िया। हम निकलते हैं यहाँ से। तो भाई घर वालों के सामने थोड़ा सा ना हिचकिचाहट सी हो जाती है, इसलिए निकालता नहीं हूँ फ़ोन, घर वालों के सामने नहीं हो पाता ना यार। अभी हम इतने बड़े प्रो प्लेयर नहीं हुए कि घर वालों के सामने फ़ोन निकाल के कर लें बातें बातें, तो ठीक है। अब हम लोग निकल गए, शुभम भी हमारे साथ आ गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। फिर इसको छोड़ने आया था, कुछ फोटो हमने क्लिक किए हैं यहाँ पे। ये हमारे दिवाली का लुक है, ये हमारे दिवाली का लुक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छे लगे या नहीं लगे। यह देखिए तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अब निकलते हैं, नेहा को ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं। भाई साहब गंदा सीन हो गया है, दो बाइक वाले कार से टकरा गए, बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन हो रखा है। और बाइक की हालत देख के आप लोगों को अंदाज़ा आ रहा होगा कितना गंदा सीन हो रखा है। भाई साहब दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन ये सब देखने को मिल रहा है। अरे देखो भाई साहब बहुत बुरा हाल है, गाड़ी की हालत को देख के तो लग नहीं रहा कि बचे भी होंगे, जिस तरीके से हालत हो रखी है। तो
गाइज आप लोगों ने देखा कितना गंदा एक्सीडेंट हो रखा है, सीसमहल चौराया, सीसमहल चौराहे के पास पे हो रखा है और बहुत गंदा। ऊपर से एक बाइक वाला आ रहा तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था और वो टकराया सीधे आपकी कार से, और कार वाला तो भाग गया और बाइक वाले दोनों घायल हो रखे और बहुत गंदी हालत हो रखी है। जैसे आपने देखा बाइक का पूरे शॉकर की रॉडे तक बाहर आ गई हैं, स्प्रिंग तक बाहर आ गया, तो कितना जोर का इम्पैक्ट लगा होगा ये सोचो आप। और दिवाली का दिन है यार, दिवाली के दिन लोग क्या चल रहे हैं पी खा के, बहुत गलत है यार, इतना इतना गलत नहीं चलना चाहिए भैया। जान है तो जान है यार, और बाकी तो यार सब आ जाता है भैया, जान एक ही बार मिलती है तो संभल के चलो, सेफ चलो। इतनी अंधाधुन कोई रेस नहीं लगी है, कोई इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा लेट पहुँचोगे बट आराम से पहुँचोगे, बट ऐसे ना चलो भैया, मेरा तो यही मानना है। बाकी यार आपने हालत देखी, बस होप कि वो लोग ठीक हों, धोखे तो ठीक हों यार। गूगल नंबर है हल्द्वानी का, बहुत बहुत बुरा हाल है बाइक का यार, लोगों का तो क्या ही हाल होगा। तो आप लोगों को ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं हेड़ा खान के। तो भाई अपना हल्द्वानी यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है, बाकी अपने लोगों ने लोकेशन देखी है, व्यू देखा है, तो भाई क्या सुंदर लग रहा है। तो भाई हम लोग फोड़ रहे हैं बम, और ये गया बुलेट बम। जिस तरीके से दो बैंड हो गए ना इसके गाड़ी के। तो भाई मैं घर पहुंच चुका हूँ और फुल इंजॉयमेंट कर लिया है, बस अब रूम पर जाते हैं। लोग खींच के आ रही है, भूख लग रही है क्योंकि खाया नहीं है ढंग से कुछ। देखो सारे लौंडे खड़े हैं अपने, लौंडे लफाड़े सब खड़े। तो इन्जॉयमेंट पूरा कर लिया, हमने दिवाली पूरी मना ली है। तो भाई मैं घर पहुंच चुका हूं, और अगर आप लोग यहां तक एंड तक हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। तो मुझे हिचकी आ रही है क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया है, 4 बज चुका है। तो मिलते हैं इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।